स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन लर्निंग मैथ्स विद ममता मैम। ठीक है स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर, ठीक है, चैप्टर नंबर 7 एंड एक्सरसाइज नंबर 3। ठीक है, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के बारे में मैं आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। अब हमने फ्रैक्शन की एक थर्ड एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। ठीक है, लोएस्ट टर्म। ठीक है स्टूडेंट, फ्रैक्शन को क्या करना है, रिड्यूस करना है। हमें एक फ्रैक्शन गिवन होगी, उसको हमें रिड्यूस करना है इन द फॉर्म लोएस्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट वन, फर्स्ट सम है 48/64। बच्चे इसकी फैक्टराइजेशन करनी है आपने। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन आई थिंक कि आपको पहले आती है, आपने पहले की हुई है फैक्टराइजेशन कि कैसे करते हैं। इसको हमने राइट करना है लोअर टर्म में। ठीक है, लोअर टर्म में राइट करने के लिए हमने क्या करना है, इसकी फैक्टराइजेशंस लिखना है कि प्राइम प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 48। ठीक है, 48 की प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करनी है आपने। ठीक है, 2 के साथ इसको डिवाइड करो, 2 2 4, नेक्स्ट 2 12, नेक्स्ट 3 1। ये आपने 1 लेके आना है, तो आपने क्या लिखना है, 2 into 2 into 2 into 3। सिमिलरली 16 की करनी है, 16 को क्या करना है आपने, 8 4 2 1। ठीक है, तो क्या करना है, 2 into 2 into 2 into 2। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो कट हो गया, ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया, हमारे पास क्या बचा, 3/2। विच वन इज आवर आंसर, ये हमारा आंसर है बच्चे। ये जो है आपने रफ वर्क करना है। ठीक है, सिमिलरली हमने क्या करना है, सेकंड सम करना है, सेकंड सम करने के लिए हमने क्या करना है, इसको फिर से गिवन है हमें सेकंड 15/20। 15/20, 15 को हम राइट कर सकते हैं, देखो 15 को हम क्या राइट कर सकते हैं, 3 5 15, 3 5 15, और 20 को 2 के साथ डिवाइड किया, 10, 2 के साथ किया 5, 5 के साथ किया 1, तो क्या आया, 2 × 2 × 5, 5 के साथ 5 कट, 3/4, 2 2 4। ठीक है, 2 2 4, ये हमारा आंसर आ गया। अब थर्ड सम, थर्ड बच्चे दिया हुआ है 35/45। अगर आपको स्टूडेंट्स टेबल आते हैं तो आपको पता है कि 35 को 7 × 5 और 45 को राइट करते 9 × 5, 5 के साथ 5 कट, 7/9 इज आवर आंसर। यस, अब क्वेश्चन नंबर फोर है 49 × 63। 49 को राइट कर सकते हैं 7 × 7 और 7 × 9, 7 के साथ 7 कट, 7/9 इज आवर आंसर। स्टूडेंट्स सिमिलरली यू कैन डन, स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि इसके अदर पार्ट्स हैं जो 5 6, ठीक है, वो खुद करने हैं। मेथड मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। ठीक है, मेथड में ये है कि आपने ये मेथड लगा के इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, फैक्टराइजेशन करने के बाद जो सिमिलर होंगे उनको कट कर देना है। ठीक है, कट करने के बाद जो बचेगा, जिसकी कटिंग आगे नहीं हो सकती, वो हमारा क्या होगा, लोएस्ट टर्म होगी, और वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा।
स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो आपकी स्टडी में थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, ठीक है, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक मेरा मैसेज पहुंच सके। थैंक यू।